क्लियर, ये है आपका 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब बच्चे देखो कि वर्क जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती, आपको पता होगा स्केलर क्या होता है एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखो बच्चे, स्केलर क्वांटिटी होती है ना जो, उसमें सिर्फ आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया होगा मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होगी, जिसमें आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दी होगी तो वो आपकी क्या होती है बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि वर्क जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। अब बच्चे देखो इसमें क्या आता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। सॉरी, अब फोर्स जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें आता है कि अगर ये वेक्टर इंटू वेक्टर है तो क्या होगा बच्चे, आप अपने हायर क्लासेस 11th में पढ़ोगे, इसमें कॉन्सेप्ट रहता है डॉट प्रोडक्ट का। ये अभी मैं आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप नेक्स्ट क्लासेस में देखोगे कि डॉट प्रोडक्ट जब आप करते हो अपने दो वेक्टर प्रोडक्ट्स का तो वो आपका क्या निकलता है, स्केलर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है आपका वर्क जो है वो क्या है आपका, सिर्फ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड पता दिया होता है। ठीक है, ये है आपका वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। चलिए अब बच्चे देखिए हमने क्या बोला, हम बोलते हैं कि वर्क तब डन होता है जब हम क्या करते हैं, किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगने के बाद वो मूव कर जाती है यहाँ पे। ठीक है, मतलब उसमें कुछ मोशन होता है। अगर बच्चे ऐसा हो देखो कि मैंने फोर्स लगाई, फोर्स लगी है, बहुत फोर्स लगी है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है, नो मूवमेंट इन बॉडी, तो इसका क्या मतलब है कि वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ। तो बच्चे नो वर्क इज डन क्या मतलब हुआ, जितनी मर्जी फोर्स लगा दो, जितनी ज़्यादा फोर्स लगा लो, अगर आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, बॉडी में कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आपका वर्क जो है वो डन नहीं हो रहा है। क्लियर, एक तो ये पॉइंट है। उसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो वर्क डन हो रहा है ऑब्जेक्ट पे, फोर्स तो लग रही है लेकिन जो वर्क डन हो रहा है ऑब्जेक्ट पे वो क्या है, जीरो वर्क डन। क्लियर, कि कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल है। अब एक मैन है, ठीक है, ये एक मैन है, उसने क्या किया, इस पर पूरा जोर लगाया, पूरी फोर्स लगाई इसको पुश करने की। ठीक है, इसने क्या किया, इस मैन ने इस वॉल के ऊपर बहुत जोर लगाई, ठीक है, पुश किया स्टेशनरी वॉल को, बट इसमें क्या हुई, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, मतलब नो मूवमेंट, फोर्सफुल लगा रहा है वो, ठीक है, लेकिन क्या है, कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं हो रही है। तो इसका क्या मतलब है, वर्क डन बाय द मैन ऑन द वॉल इज जीरो। ठीक है, मैं बड़ा करके लिख के आपको बताती हूँ कि इस मैन ने इस वॉल को पुश करने के लिए बड़ी ज्यादा फोर्स ली, बट ये वॉल क्या हुई, इसमें नो मूवमेंट, देखो फोर्सफुल लग रही है बट नो मूवमेंट, नो मूवमेंट ऑफ द वॉल, इसका क्या मतलब हुआ, नो वर्क इज डन। क्लियर, समझ गए यहां तक कि जब तक आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं होगी, कोई डिस्प्लेसमेंट उसका चेंज नहीं होगा, इसका मतलब तब तक आपका वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ,
वर्क डन ऑन द बॉडी ऑफ द मैन हिमसेल्फ इज जीरो, मतलब कि इसकी बॉडी पे जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, जीरो हुआ, बस सिर्फ फोर्स लगी है, ठीक है। उसने पुश किया उसको, उसके मसल स्ट्रेच हुए, है ना, बॉडी डिस्प्लेस्ड हुई उसके मसल्स में बड़ी जल्दी, बट क्या हुआ, उसकी सिर्फ एनर्जी कंज्यूम हुई और वो क्या हुआ, मतलब वो थक गया क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा एनर्जी लगाई अपनी, इतनी ज़्यादा एनर्जी लगाई कि वो एग्जॉस्ट हो गया। तो मतलब एनर्जी हुई, एनर्जी भी कंज्यूम हो रही है, फोर्स भी लग रही है, बट आपका वर्क डन नहीं हुआ, इसका मतलब मूवमेंट नहीं हुई एनर्जी लगने के बाद भी, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका जो वर्क डन है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरी एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक मैन है वो खड़ा है बस स्टॉप पे, ठीक है, ये एक बस स्टॉप है, बस स्टॉप है, ठीक है। यहाँ पे एक मैन है, उसने अपने सर पे क्या लिया हुआ है, या फिर आप कहो कि एक मैन है, उसने क्या पकड़ा हुआ है, सूटकेस पकड़ा हुआ है, हैवी सूटकेस, ठीक है। मतलब क्या है, फोर्स लगा रहा है उसको, खींच रहा है ना, पुल कर रहा है उसको, सूटकेस को पकड़ा हुआ है उसने जोर से, फोर्स भी लग रही है, एनर्जी भी लग रही है, बट क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है कोई सूटकेस में, देयर इज नो मूवमेंट, तो मतलब नो वर्क इज डन, जीरो वर्क डन, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन, मतलब जब तक आपका सूटकेस मैन की फोर्स लगाने तक मूवमेंट नहीं करेगा, मूवमेंट उसकी नहीं होगी फोर्स लगने के बाद भी, तब तक आप बोलोगे कि कोई भी वर्क डन जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई भी वर्क डन तब तक नहीं होगा जब तक आपकी बॉडी जो है वो मूव नहीं करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। अब आपको पता है अर्थ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशन फोर्स होती है अर्थ में, जो क्या करती है आपको, हम क्या करते हैं अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना, जो हम चल पाते हैं अर्थ के ऊपर, जैसे हम कोई भी बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या नीचे ही आती है, अर्थ क्या करती है, उसमें कुछ ग्रेविटेशन फोर्स होती है, अट्रैक्शन फोर्सेज होती हैं, जो क्या करती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब ये कह रहा है, अब हम देखेंगे कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे तो क्या वर्क डन होगा, ठीक है। अब बच्चा देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, बिल्कुल ये मैंने बताया कि जैसे ये अर्थ है तो कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंकोगे तो ये क्या होगी, नीचे ही आएगी ना, मतलब ये क्या करती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है अर्थ, हर चीज को, ठीक है। कोई भी सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या करेगी, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगी। तो अगर आप क्या करोगे, अगर एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, क्या है, एक ये टेबल है, अब इस टेबल के ऊपर फॉर एग्जांपल बुक्स रखी हुई है, टेबल पे क्या है, बुक रखी हुई है, अगर मैं क्या करूँगी, इन बुक्स को उठाऊंगी, तो मतलब क्या, इसका ये मतलब हुआ, मतलब फोर्स लगी मेरी, बुक्स मैंने उठाई, मूवमेंट भी हुई, बट जो वर्क हो रहा है वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, मतलब मैंने बुक्स उठा के मैं यहाँ ले गई, बुक्स मैं यहाँ ले गई, तो ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से वो बुक्स टेबल पे थी, अब मैं ऊपर ले गई, तो मतलब वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है ना। ये टेबल है, यहाँ पे बुक्स थी पहले, जब मैंने बुक्स को उठाया यहाँ लेके आई, मतलब जो वर्क डन हो रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। अब आप देखो, जब भी आप किसी बॉडी को अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट करते हो ना, देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी इज इक्वल टू इट्स वेट, तो जो आप फोर्स जितनी आपको चाहिए होती है उस बॉडी को लिफ्ट करने के लिए, वो इक्वल होती है उसके वेट के, है ना। फोर्स कितनी लगेगी, जैसे ये बुक है, मैंने बुक को उठाया, अब जैसे ये यहाँ पे पड़ा हुआ था, अगर है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेबल है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, अब मैंने इसको उठाया, अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन हो रहा है,
अब फोर्स कितनी लगेगी इसको लिफ्ट करने के लिए? उतनी फोर्स लगेगी जितना इस बॉडी का वेट होगा। ये किस केस में होता है आपका? वर्टिकली अपवर्ड के केस में। वर्टिकली अपवर्ड का केस जब आएगा, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड का केस जब आएगा तब आपका क्या होगा, आपकी जितनी भी फोर्स चाहिए होगी, फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी, बॉडी को लिफ्ट करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में जितनी फोर्स चाहिए होगी वो किसके इक्वल होती है बच्चे? वो उसके वेट के इक्वल होती है, इक्वल टू इट्स वेट। जितना उसका वेट होगा उतनी क्या है उसको फोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, वेन एवर वर्क इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेट वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी में क्या होता है, वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी बराबर होता है आपका एम इंटू जी इंटू एच। एम वर्क हो, डब्ल्यू हो गया आपका वर्क डन, एम क्या है आपका, एम हो गया आपका मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो मैंने आपको कहा मास ऑफ द बॉडी। एच क्या है आपका, हाइट थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड, ठीक है, कितनी उसकी हाइट हुई जहां से उसने लिफ्ट किया, हाइट थ्रू विच द बॉडी, थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड, क्लियर। एंड आपका जी क्या है, जी आता है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जी क्या है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसी के बेस पे बच्चे आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एक तो नॉर्मल था आपका W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब ये केस है अगेंस्ट द ग्रेविटी, वो था आपका वर्क इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड, क्लियर। चलिए इसी के बेस पे बच्चे अब हम जो हमने फॉर्मूला किए इनके बेस पे हम क्या न्यूमेरिकल्स करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, आपको बच्चे गिवन दिया है उन्होंने 10 न्यूटन की क्या है फोर्स, जहाँ पे भी न्यूटन लिखा होगा मतलब वो क्या है आपकी फोर्स, और डिस्टेंस दिया हुआ है कितना आपका 1 मीटर, 1 मीटर का क्या किया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है, और उन्होंने आपको कहा है कितनी वर्क डन हो रहा है, कितने वर्क लग रहा है। अब आपको पता है वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इज 10 न्यूटन मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है 1 मीटर का, तो कितना निकला आपका 10 न्यूटन मीटर, और यू कैन से द 10 जूल, ठीक है। ये क्या हुआ आपका वर्क डन कितना हुआ 10 जूल का। चलो एक तो ये हमने फॉर्मूला किया था, नेक्स्ट हमने फॉर्मूला किया था अपना W इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी का। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर, ठीक है, और जी की भी वैल्यू दी हुई है, मतलब उसको लिफ्ट करवाने के लिए उसका वेट कितना दिया हुआ है, वेट मतलब मास जो है उसका वो दिया हुआ है आपको उन्होंने 200 kg ऑफ वाटर, 200 kg, क्लियर। अब उसकी हाइट कितनी दी हुई है, जो h है वो दी हुई है उन्होंने 6 मीटर, एंड g की वैल्यू उन्होंने आपको गिवन दी है 10 m/s². अब आपको बोला वर्क निकालो कि कितना वर्क डन हो रहा है उसको लिफ्ट करवाने के लिए, वो होता है आपका m इंटू जी इंटू एच, एंड आपको पता है m इज 200, 6 × 10, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा बच्चे इसका, इसका आंसर आएगा आपका 12,000 जूल, ठीक है। ये क्या है कि लिफ्ट करवाने के लिए 200 kg ऑफ वाटर को लिफ्ट करवाने के लिए कितना वर्क डन लग रहा है, वो आपका 12,000
जूल जो है वो क्या है आपका वर्क डन हो रहा है। ठीक है तो बच्चे यही था आज के हमारे जो हमने पढ़ा वर्क के बारे में। तो इसमें इन न्यूमेरिकल्स के बेस पे इन ये जो इक्वेशंस हैं ठीक है इन इक्वेशंस के बेस पे आपके क्या होंगे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो चलिए बच्चे आज का यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।